गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑपरेशंस ऑन सेट. द फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. इफ ए एंड बी आर टू एम्प्टी सेट्स, देन ए माइनस बी इज अ सेट हुज एलिमेंट बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी. इट मीन्स ए माइनस बी, इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट belongs to B. In it means element of A should not present in set B. These elements is called A minus B or a difference of two sets. For example, A X such that X is a letter of the word Puneet. B X such that X is a letter of word cheat. Here A is equal to P comma U comma N comma E comma T. Repeated words ko nahi likhte hain, don't write the repeated words. B set B hoga C H E A T. A minus B a element present in a set which are present in set A only. तो पी यू एन विच आर दीज करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी. सो दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए माइनस बी. बी माइनस ए इज कॉल्ड सी एच ए. सी एच ए इज प्रेजेंट ओनली अ सेट बी नॉट इन सेट ए. सो नोट देखिए स्टूडेंट, इफ ए is a subset of B, then A minus B is equal to 5. Complement of a set is equal to if U or this is a universal set and A is any set, then complement of a set is a set whose element belong to U but not A. Complement of a set A is denoted A complement. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, वेयर यू इज एन यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए इज अ सेट विच कंटेन सम एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल यू 1 2 3 4 5 6 दिया है, ए 2 3 4 है. सो ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए. सो यू में से ए के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे 2 3 4, तो आपका बचेगा 1 5 6 विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए. So A complement is 1, 5, 6. Here B is equal to 4, 5. So B complement होगा U minus B. U में से set U में से सारे elements B के निकाल देंगे, बचे elements is called B complement or complement of a set. तो 1, 2, 3, 6 आ गया. Union of two sets क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ टू सेट्स. ए एंड बी इज अ सेट हुज एलिमेंट बिलोंग आइदर टू सेट ए और टू सेट बी और टू बोथ सेट ए एंड बी. यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और X belongs to B. So student, you should write these topics in your maths copy. Thank you and have a nice day.